फीडबैक तो मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम साबुत मूंग दाल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक कप साबुत मूंग ली जो मैंने ओवरनाइट भिगोए थे। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम मैं रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। साबुत मूंग दाल के लिए मैंने एक कप और आधा कप और मैंने पानी लिया है, और ये साबुत मूंग एक कप लिया जो मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे। अब इसको मैं नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लेंगे। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब इसका ढक्कन लगा के हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। हमने इसका ढक्कन लगा दिया। हम इसकी एक सीटी आने के बाद 5 मिनट मद्दा रख के इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसका फ्लेम हम लो कर देंगे, 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। ऑयल हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसका फ्लेम हमने ऑन कर दिया। जीरा डालेंगे सबसे पहले, जीरा ऐड करेंगे, राई डालेंगे। जीरा राई हमारे तरफ से हमें फ्राई कर, ये हम दाल के बगैर की तैयारी कर रहे हैं। मैंने 2 सूखी लाल मिर्ची ली, 2 हरी जो लाल हो गई थी वो मिर्ची ली, 3 टमाटर लिए जो बॉईल करके मैंने कट कर ली। जब प्याज हमारी लाल हो गई इसमें हम लाल खड़ी मिर्ची डाल देंगे। टमाटर भी ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। हमारे अच्छे से रख चुके हैं, अब हम इसे इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्रश के लिए 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे फ्लेवर के लिए। अब
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दुआओं में शामिल